कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। मेरा नाम है मनोज राणा और मैं IHM शिमला में लेक्चरर हूँ। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश या फिर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। आप सबको मालूम है कि इंग्लिश स्पीकिंग आजकल के सिनेरियो में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा कमांड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है आप जब भी किसी इंटरव्यू में जाएंगे, आप किसी भी प्रोफेशन में आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपकी इंग्लिश जो है वो सबसे पहले देखी जाती है। आपके जो स्पोकन इंग्लिश जो स्किल्स हैं वो सबसे पहले वहाँ पे नोट किए जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप राणा एजुकेशन में कोर्स को ज्वाइन करके, लाइव क्लासेस को अटेंड करके अपनी इंग्लिश को पॉलिश कर सकते हैं। वैसे तो ये कोर्स सभी बच्चों के लिए आइडल है, जो बच्चे 9th में हैं, 10th में हैं या 11th 12th में हैं, सभी बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये कोर्स रहने वाला है, सबसे बेनिफिशियल जो ये कोर्स रहने वाला है, वो रहने वाला है होटल मैनेजमेंट के बच्चों के लिए। अब वो बच्चे चाहे IHM के हों, किसी यूनिवर्सिटी के हों या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हों या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हों, सभी बच्चों के लिए ये जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। जो बच्चे होटल मैनेजमेंट में हैं उनको पता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। मैं हमेशा अपने बच्चों को, जो फर्स्ट ईयर में नए बच्चे आते हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए, है ना, क्योंकि आपका थर्ड ईयर में MT के लिए आपको एग्जाम देना होता है, आपको ग्रुप डिस्कशंस क्रैक करने होते हैं, बहुत सारे होटल्स आपके कॉलेज में आएंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आपका उन इंटरव्यूज में, उन प्लेसमेंट में सिलेक्ट होना थोड़ा सा टफ हो जाता है। होटल मैनेजमेंट के बच्चों के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। नॉलेज जो है वो सेकेंडरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओगे। इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके सामने होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन अदर थिंग्स। तो अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपका नॉलेज जो है वो आपके पास ही रह जाएगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी अनफॉर्चुनेटली। जो बच्चे होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी IHM में है या किसी भी यूनिवर्सिटी में है, उन्हीं को अभी से फर्स्ट ईयर से ही अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम शुरू कर देना चाहिए। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन, है ना, एंड आपका नॉलेज एंड ग्रूमिंग एंड ऑल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, और आपको इस पर अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। अभी इस साल जो एडमिशन्स हुई हैं, सबको पता है कि बहुत सारे IHMs में ओपन एडमिशन्स हुई है ना, तो जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं भी दिया था JEE का, वो भी बहुत सारे IHMs में एडमिशन ले चुके हैं। उन सभी बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा, एक बार अपने आप को यू कंपेयर योर सेल्फ विद द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपने इंग्लिश पे काम करने की ज़रूरत है तो गाइज आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए, क्योंकि हम 3rd of October से इसमें लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं और पूरा इंग्लिश का जितने भी कंटेंट होते हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, चारों पे काम होने वाला है। और जो हमारे ट्यूटर हैं गाइज, वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं, है ना, मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड वो आपको बताएंगे कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड अदर स्किल्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि वो कोर्स कहाँ है, उसमें क्लासेस कैसे होंगी, क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, क्लासेस किस प्लेटफॉर्म पे होंगी और क्लासेस कैसे कैसे होंगी। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, तो वो कोर्स कहाँ मिलने वाला है, वो कोर्स आपको मिलेगा मेरी एप्लीकेशन राणा एजुकेशन पे। अब उस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने आपको दे दिया है। तो वहां से जाके आप उस वीडियो को देख के इस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद गाइज आप इस ऐप को ओपन करेंगे और आप जाएंगे स्टोर में, यहाँ पे स्टोर आपको आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, देन आप सर्च में जाके सीधा सर्च करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ओके, तो आपके यहाँ पे दो कोर्सेज दिखेंगे, यहाँ पे जिस कोर्स में आपको हार्ट के ये सिंबल दिख रहे होंगे, जो कि आप बहुत इजीली ढूंढ लोगे, है ना, जहाँ पे हार्ट बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे, है ना, और ये रहा वो कोर्स गाइज, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ऑलराइट, अब मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। जो मैंने आपको अभी बताया है कि इसमें स्पीकिंग है, रीडिंग है ना,
राइटिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, चारों पे काम होने वाला है। वोकैबुलरी, आपका जो वोकैब है, स्टोरी टेलिंग, सब कुछ आपको बताया जाएगा कि कैसे एक डे टू डे लाइफ में एंड होटल्स में एंड जहां भी आप जॉब करेंगे वहां पे आप कैसे इंग्लिश में कन्वर्सेट कर सकते हैं। तो गाइज ये रहा वो कोर्स। इसका कंटेंट अगर आपको मैं दिखा दूंगा गाइज, तो आप कंटेंट में देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग का जितना भी कंटेंट है ना, जो कॉम्प्रिहेंशन है लैंग्वेज, आप मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे 17 वीडियो लेक्चर्स है और वीडियो लेक्चर्स में आप देखेंगे यू नो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट टू, ये सब रिकॉर्डेड वीडियोज है ना, इनको आप कभी भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं, प्लस जो सबसे इसका मेन पॉइंट है, ये तो रिकॉर्डेड वाला है जो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस भी चलने वाली हैं। और लाइव क्लासेस की टाइमिंग गाइज रहने वाली है 6 to 7 इवनिंग में, 6 to 7 मंडे टू थर्सडे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मंडे टू थर्सडे एंड इवनिंग में 6 to 7। अब टाइमिंग ये इवनिंग में इसलिए रखी गई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो IHMs में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटीज में हैं, है ना, उनकी क्लासेस जो हैं वो शाम को ही खत्म होंगी, तो डे टाइम में वो क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन इवनिंग में टिल 6 PM सारे बच्चे फ्री हो जाते हैं, तो 6 PM पे बहुत इजीली वो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मंडे टू थर्सडे 6 to 7 हमारी क्लासेस चलने वाली हैं। क्लासेस कहाँ पे होंगी? क्लासेस जूम पे होंगी, मतलब इसी ऐप में होंगी, इसी कोर्स के अंदर होगी। जब 6 बजे क्लास शुरू होगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगी कि लाइव क्लास शुरू हो चुकी है। आपने क्या करना है, आपने इस कोर्स को खोलना है ना, वहां पे ज्वाइन क्लास के ऑप्शन आएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे और आप क्लास में ऐड हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं इस कोर्स की वैलिडिटी और इस कोर्स का प्राइस क्या है। बहुत ही ध्यान से सोच समझ के इस कोर्स की वैलिडिटी और इस कोर्स का प्राइस रखा हुआ है। गाइज, इस कोर्स की 4 वैलिडिटीज हैं, मीन्स इस कोर्स के 4 वैलिडिटी हैं और 4 ही प्राइस हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ 1 month के लिए क्लास लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ लिखा है 1 month 999। 999 में आप 1 month के लिए इस कोर्स में एनरोल हो जाओगे और आफ्टर 1 month आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि 3 महीने के लिए मैं क्लास लगाना चाहूंगा तो 3 months के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे, है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि 3 months का प्राइस कितना है, 1999। अगर आप चाहते हैं कि 6 months के लिए मुझे इस कोर्स में एनरोल होना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप पे करेंगे 2499। आप 6 months के लिए इस कोर्स में एनरोल हो जाओगे। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा साल मुझे क्लासेस लगानी है, क्योंकि इसमें क्लासेस चलती रहेंगी, अगर आप 1 साल के लिए एनरोल करते हो तो उसमें फर्स्ट बैच होगा, देन सेकेंड बैच, बहुत सारे बैचेस हमारे चलते रहेंगे, तो आप एक बार एनरोल होंगे और उन सभी बैचेस को गाइज आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको पूरे साल की वैलिडिटी चाहिए देन यू हैव टू पे 4999, है ना। तो जो भी आपके बजट को सूट करता है, आपको 1 month के लिए चाहिए, 3 months के लिए चाहिए, 6 months के लिए चाहिए या 12 months के लिए चाहिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और वही अमाउंट आप यहाँ पे करेंगे और आप कोर्स में गाइज एड हो जाएंगे, है ना। तो ये इस कोर्स की प्राइस हो गया, इसका वैलिडिटी हो गई। इस ऐप को आप लैपटॉप पे भी खोल सकते हैं, आप लैपटॉप पे भी बड़ी स्क्रीन में लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और अपने सेल फोन में तो आप कर ही सकते हैं। ऐप का नाम है राणा एजुकेशन। ऑलराइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं कि जो आपके इसमें ट्यूटर हैं वो कौन है। मैं आपको दिखा देता हूं, जो हमारे ट्यूटर हैं शी इज मिस दिव्या राठौर, है ना। मैं आपको इनका प्रोफाइल दिखा देता हूं। इन्होंने 2015 में अपना ग्रेजुएशन किया था BSc होटल मैनेजमेंट। अभी इसी साल इन्होंने NSTAT क्वालिफाई किया है 2023 में, है ना। MTTM इन्होंने इग्नो से किया हुआ है, ना टूरिज्म मैनेजमेंट इन्होंने इग्नो से किया हुआ है। ओके, अगर मैं आपको इनका जॉब प्रोफाइल दिखाऊं, इनका एक्सपीरियंस दिखाऊं, तो आप देखें इन्होंने रेडिसन होटल में काम किया हुआ है, हायत होटल में काम किया हुआ है ना, DIMS इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अहमदाबाद में काम किया हुआ है, एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट अकेडमी उदयपुर में काम किया हुआ है, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म आगरा में काम किया हुआ है, एंड करंटली शी इज वर्किंग इन सेंट्रम लखनऊ इन सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है ना। तो बहुत सारा इनके पास एक्सपीरियंस है, जितना भी होटल का एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर किया जाएगा, होटल्स में कम्युनिकेशन कैसे होती है ना, हम गेस्ट से कैसे डील करते हैं, सारा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है ना, एंड शी विल टेक योर
क्लासेस। तो गाइज ये हमारे ट्यूटर का प्रोफाइल हो गया। सो गाइज इस कोर्स को एनरोल करने से पहले आप ये जान लें कि आपको इस कोर्स में एनरोल क्यों करना है। आप पहले अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करें, है ना। आप अपने आप को यू कंपेयर योर सेल्फ विद द सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, विद द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, और आप ये जानो कि क्या आपको इंग्लिश की जरूरत है कि नहीं है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए कम्युनिकेशन इंग्लिश पे कमांड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो तब तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गाइज ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं होगा। अगर आप बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मैं थर्ड ईयर में जब हो जाऊंगा देन आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इंग्लिश एंड ऑल माई ग्रूमिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं होगा। आपको अभी से कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। और अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो पूरा एक साल आपकी क्लासेस होने वाली हैं। आप जब सेकंड ईयर में होंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो चुकी होगी, आप में कॉन्फिडेंस होगा, है ना। और इसके बाद राणा एजुकेशन पे हमारा नेक्स्ट कोर्स आने वाला है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, हाउ टू क्रैक GDs एंड ऑल, है ना। तो जो MT लेवल की हमारी प्रिपरेशन होती है, हमारा वो नेक्स्ट एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स होगा। ये हमारा बेसिक वाला है, ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो इस साल एनरोल हुए हैं या जो सेकंड ईयर में है, है ना। जो फर्स्ट ईयर है और जो सेकंड ईयर है वो भी उसको ज्वाइन कर सकता है। और वैलिडिटी मैंने आपको बता दी, आप 1 मंथ का लो, 3 मंथ का लो, 6 मंथ का लो या फिर 12 मंथ का लो अकॉर्डिंग टू योर बजट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे एंड इस वीडियो को शेयर करेंगे उन सभी बच्चों के साथ जिनको आपको लगता है कि इस कोर्स की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं 3 तारीख को शाम को 6 बजे क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।